हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो कंजक्शंस की बात चली थी, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बात बताई थी कि कौन से कंजक्शंस जो हैं वो अपना वर्ब एग्रीमेंट कैसे रखते हैं और किस प्रकार कई जो हैं वो जो है अल्टरनेटिव होते हैं, कई अपने कंपाउंड होते हैं। तो हम कुछ एक और आज की क्लास में जिक्र में ले लेते हैं, उसके बाद में अपने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हुई लेस्ट की। एक्चुअली मैंने पहले बताया था कि लेस्ट जब भी अपने यूज करें तो उसके साथ में जो है वो प्रयोग में लिया जाएगा क्या, शुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स आपको लेस्ट में शुड का ही प्रयोग करना होगा, अन्य किसी प्रकार के मॉडल्स जैसे मे, माइट, मस्ट, अन्य जो भी हैं वो प्रयोग में नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से भी बताया, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल, ये सेंटेंस देख रहे हो आप, यहाँ पे लेस्ट का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में जो मे आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे आगे देखो, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, तो आप तभी सही ठहराओगे जब लेस्ट वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग हो रहा है, शुड का प्रयोग हो रहा है। तो एक तो ये आपको जब भी ऐसा कोई वाक्य आपके एग्जाम में दिया जाता है और उसे सही करने की बारी आए तो आपको ये, एक्चुअली मैंने आपको मॉडल्स का जब चैप्टर पढ़ाया था, मॉडल्स की क्लास हुई थी, तो उन क्लासेज में मैंने ये बात बताई थी कि लेस्ट आने पे शुड का प्रयोग होता है। चलो फिर से क्लियर हो गया ये बात। अब आगे देखिए, नोट, नेवर और, मैंने पिछले क्लास में आइदर और का प्रयोग करवाया था और वहाँ पे मैंने कहा था कि जब नोट आइदर हो तो क्या आप नोर का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, ये सब मैंने उस समय सिखाया था। अब मैं कह रहा हूँ नोट नेवर हो तो आप प्रयोग में लीजिए किसको, और को, न कि नोट नेवर को ऐसे समझे कि ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नाइदर का प्रयोग हो गया तो उसके साथ और नहीं बल्कि सॉरी नोर होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली बात भी याद रखिए कि नोट नेवर अगर सेंटेंस में चल रहा है तो कंजक्शंस और का प्रयोग ही होगा, जैसे नोट नेवर के साथ और का प्रयोग किया जाता है, नोर का नहीं, ये बात आपको क्लियर करनी है। सेंटेंस से देख लीजिए, आई हैव नेवर स्पोकन टू हीम नोर रिटर्न टू हीम, यहाँ पे नेवर का यूज हुआ तो आप आगे नोर का जो प्रयोग कर रहे हो वो बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे आगे देखिए, आई हैव नेवर स्पोकन टू हीम और रिटर्न टू हीम, यानी अब की बार इसमें नेवर के साथ में और का प्रयोग हुआ है, ये ऊपर वाली बात साफ साफ लिखी है, नेवर के साथ और, तो नेवर के साथ और है तो वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। राधा डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लॉस इट, यहाँ पे नोट का प्रयोग हुआ है, डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लॉस इट, तो यहाँ पे जैसे ही नोट का प्रयोग हुआ हो तो भी आप और का प्रयोग करेंगे, नोट और यहाँ पे नोर आया तो ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, और अगर और का प्रयोग है तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। तो इस तरह से नोट, नेवर और ये भी आपको अगर सेंटेंस में नजर आते हैं तो ठीक ढंग से आपको इसका यूज करना होगा। चलो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक्चुअली मैंने एक एक बार सबका जिक्र पहले किया है, पर विस्तारित रूप से अब ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो भी नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, सो दैट हो, टू टू हो, इनका अगर यूज होता है तो आप किस ढंग से करेंगे। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, चाहे बट या बट ऑल्सो, ऑल्सो नहीं लगा हुआ है तो भी वाक्य तो बनेगा, नॉट ओनली के साथ बट होता है या फिर बट ऑल्सो होता है, तो ये तय हो जाए कि नॉट ओनली के साथ अन्य किसी प्रकार का लोग जो है वो वैन आगे That वगैरह लगा हुआ हो, then, when, then, that कुछ भी लगा हुआ तो वो ये गलत है, क्योंकि इसके साथ जो है वो not only के साथ but या but also का ही प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेंटेंस आगे देखो, कुछ नोट भी मैंने लिख दिया है कि जब not only but also की बनावट में सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का होना जरूरी है, ये पंक्ति, ये बात क्या कहना चाह रही है स्टूडेंट, कि अगर आपको नॉट ओनली का यूज करना है तो उसमें सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना जरूरी है। अब सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये बात समझिए थोड़ी सी कि ये क्या कहना चाह रहा है। सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो चैप्टर अभी चल ही रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप साफ साफ समझ रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने समझा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव,
एडवर्ब, ऐसे ऐसे जो हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ये कह रहा है कि नॉट ओनली का प्रयोग अगर अपने करते हैं, नॉट ओनली का प्रयोग करते हैं तो उसमें बट ऑल्सो तो होना ही है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करें तो ये कह रहा है कि अगर आप नॉट ओनली के पहले या बाद अगर आप यूज लेते हैं, अगर नॉट ओनली के बाद में आपने मान लीजिए वर्ब यूज लिया तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब आएगी। अगर आपने नॉट ओनली के बाद नाउन यूज किया है तो बट ऑल्सो के बाद में भी ये कह रहा है क्या आएगा, नाउन आएगा। तो नाउन और प्रोनाउन कोई सा भी हो ये यूज होंगे। अगर नॉट ओनली के बाद में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव होने पर बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव हो गया। शायद आप ये बात क्लियर कर पाए होंगे स्टूडेंट्स कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चलेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना जरूरी है। तो यहां पे ये बात कह रहे हैं। आगे वाली बात देखिए कि नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अर्थात जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी होना है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद होना होता है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, नॉट ओनली रमेश वाज फाइन बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। अब की बार देखना नॉट ओनली यहां पे हुआ, आगे क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, लेकिन बट ऑल्सो का जब यूज हुआ तो आगे वर्ब दी हुई है। इसका मतलब ये वाक्य क्या है, रॉन्ग है। लेकिन नीचे देखो, रमेश वाज नॉट ओनली फाइंड, अब की बार नॉट ओनली का प्रयोग जो है वो वर्ब के पहले हुआ है और बट ऑल्सो के बाद में भी जो है वो क्या आई है, वर्ब आई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे इन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रहना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे वर्ब के पहले था तो ये आगे बट ऑल्सो के बाद वाला जो है वो भी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, वर्ब ही होगा। तो यहां इसका मतलब ये सेंटेंस देखो कौन सा सही है, रमेश वाज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, ये वाला सेंटेंस सही है। यहां पे आगे कह रहा है, नॉट ओनली आई बट ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहां पे देखो नॉट ओनली के बाद में प्रोनाउन आया, प्रोनाउन या नाउन दोनों एक ही चीज है। प्रोनाउन भी नाउन का ही जो है वो अपने नेमिंग होगा कि जगह काम ले रहे हैं। तो ये हो गया प्रोनाउन। फिर बट ऑल, बट के बाद में देखो अब की बार अल्सो नहीं है पर कोई बात नहीं, बट यहां पे दिया गया है और आगे दिया ऑल माय फ्रेंड्स, इसका मतलब नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन ये दोनों यहां पे ये तो बिल्कुल या पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरी कर रहे हैं। आगे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये भी बात ध्यान में ले लीजिए, वर क्यों आया, वॉज नहीं आया। जैसे आई के साथ अपने बात करें वॉज आता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आई के अकॉर्डिंग वॉज करें, यहाँ पे आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। देखो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ऑल माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल था, बहुवचन था, इसकी वजह से किसका प्रयोग हुआ, वर्ब का प्रयोग हुआ। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव टू गो देयर, इसमें देखिए नॉट ओनली के बाद में प्रोनाउन आया, फिर बट ऑल्सो के बाद में फिर प्रोनाउन आया, इसका मतलब यह वाक्य क्या है, सही है। ही इज नॉट, अब देखो प्रोनाउन ही इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। यहां पे नॉट ओनली के बाद में आपको दिख रहा है गुड, यानी एक एडजेक्टिव दिख रहा है, फिर बट ऑल्सो के बाद में इंटेलिजेंट, ये फिर एडजेक्टिव दिख रहा है। जब दोनों सेम हो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको समझना है कि वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, चाहे अपने आगे अनलेस है, इफ है, ये सब जितने भी मैंने पहले पढ़ाए हैं ये सब आपको बारीकी से क्या करना होगा, अपने स्टडी में लेना होगा, तब जाकर के आपका ये कंजक्शंस का चैप्टर जो है वो ईजी बनेगा, अच्छी तरह कर पाओगे। चलो आगे हम स्टूडेंट्स करते हैं इसका कुछ जो एक्सरसाइज ले लेते हैं, और उस एक्सरसाइज में आप मेरे साथ जो है वो सरल करें कि किस ढंग से कौन सा जो है यहाँ पे कंजक्शन सूट होगा, कौन सी वर्ब सही होगी। ओके, तो देखो आगे अपने एक सेट लेते हैं, प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं।
तो स्टूडेंट कुछ ऐसे अपने 10 सेंटेंस यहाँ पे डाले हैं, इन सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा एरर है या कौन सा जो वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। इस प्रैक्टिस से हमें पता लग जाएगा कि हमने कंजक्शन सही पढ़ा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है नो सूनर डिड आई गेट इन टू द बस वैन इट स्टार्टेड मूविंग। एक्चुअली सेंटेंस को देखने पर ऐसा लग रहा है कि मीनिंग सही दे रहा है, बट आपको मैंने जब पढ़ाया है तो आपने उसे ठीक से अगर पढ़ा हो तो आपको ये बात मैंने जिक्र में ली थी कि नो सूनर डिड अगर आता है, नो सूनर डिड अगर आपको यूज किया जा रहा है आपके वाक्य में, तो जैसे ही नो सूनर डिड होगा, नो सूनर डिड कह दीजिए, यानी नो सूनर के बाद में नो सूनर डिड है या फिर हैड है, ऐसा होता है तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में देन का प्रयोग, ऐसे हमने बताया था। तो एक्चुअली यहां पे आपको क्या दिख रहा है, वैन दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहां पर अगर यहां पे हमने वैन का यूज किया है तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर यूज होगा किसका, देन का यूज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी सेंटेंस सही है, नो सूनर डिड के बाद में गेट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब यहां पे संरचना सही है, स्ट्रक्चर सही है, लेकिन यहां वाला रॉन्ग हो गया। इसलिए आपको ये याद रखना है कि यहां पे देन का प्रयोग होगा। तो ऊपर का सेंटेंस इस तरह से क्लियर है कि इसमें ये गलत बात लिखी थी, यहां पे रॉन्ग था। आगे देखो, आई एम पजल्ड व्हाई हैज ही नॉट रिटर्न द टिकट्स ऑफ द सिनेमा येट। ये सब सबको जानकारी है कि सेंटेंस में साफ साफ आई एम पजल्ड, बाद में यहां तक ये एक क्लोज हो गया और फिर वाई से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, वाई से। तो आपको ये देखना है कि वाई यहां पे जोड़ा गया है, तो अगर इसको कंजक्शन के रूप में यूज लिया गया है तो कंजक्शन के बाद में तो ये नियम है कि आपने अगर कंजक्शन लिख दिया, अगर आपने कंजक्शन का यूज किया है तो उसके बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो देखो जैसे ही कंजक्शन यूज हुआ, इसके बाद में आपको नजर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये गलत है। कंजक्शन के बाद में तो सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट यहां पे ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है वो ये सिक्वेंस गलत चल रहा है। यहां पे ही हैज हो जाएगा। तो ये याद हो गया आपको कि कंजक्शन के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अच्छा जी, ही इज नॉट ओनली नॉन फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज डेलीगेंस। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि अपने वैभव के लिए भी जाना जाता है। आप देखना, अभी अभी हाल ही में हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग पढ़ा है और आपको जानकारी हो कि इस सेंटेंस में देखना कि मैंने ये कहा था कि जैसे ही नॉट ओनली का प्रयोग हो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद में जो है वो अगर नाउन प्रोनाउन है तो आपको बटल्सो के बाद में भी यूज करना होगा, बटल्सो के बाद में भी नाउन प्रोनाउन यूज करना होगा। तो सीक्वेंस सही है कि नहीं, ये देखो हम इस सेंटेंस से पता कर लेते हैं। ये देखना, ही इज नॉट ओनली नॉन फॉर हिज विजडम। देखो यहां पे फॉर इज विजडम दिख रहा है और इसमें फॉर इज डेलीगेंस दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे फॉर इज विजडम और फॉर हिज डेलीगेंस। मैंने क्या कहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव है। तो ये वाला जो यहां पे दिख रहा है इनके पहले, क्योंकि बटल्सो का प्रयोग यहां पे इस स्थिति में हुआ है, तो निश्चित रूप से नॉट ओनली का प्रयोग भी फॉर के पहले होना होगा। लेकिन यहां पे तो यहां दे दिया नॉट ओनली, यहां पे दे दिया और नॉन को बीच में फंसा दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस जब हम सही करेंगे तो ही इज नॉन फॉर होगा, यानी ये जो नॉन आगे दे रखा है ये यहां पे आ जाएगा, ही इज नॉन, फिर आएगा नॉट ओनली फॉर हिज विजडम, ये बाद में सेंटेंस इस तरह से क्लियर होगा। तो आपने अब जानकारी ले ली होगी कि ये नॉट ओनली जो यहाँ पे प्लेस्ड किया है ये बिल्कुल गलत है, ही इज नॉन यहाँ पे पहले आएगा, क्योंकि जैसे बटल्सो के बाद में फॉर इज डेलीगेंस है तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के बाद फॉर इज विजडम होगा, यानी फॉर उसमें है तो उसमें यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कर लिया था, बीच में ये फंसा दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलो ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे वाला देखो, आगे के सेंटेंस में दिया कि नो सूनर ही सा द प्रिंसिपल कमिंग ही रश टू द क्लास
इस सेंटेंस में देखो नो सूनर का प्रयोग हुआ है, नो सूनर का प्रयोग हुआ है तो मैंने कहा नो सूनर का प्रयोग हुआ है तो डिड होगा तो वह फर्स्ट, और आगे देन का प्रयोग, और देन का अगर मान लीजिए आगे की सेंटेंस में नहीं दिया है पर आपको यह तो जानकारी रखनी है कि नो सूनर है तो डिड है, और डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे देखो नो सूनर ही सॉ द प्रिंसिपल कमिंग ही रश टू क्लास, इसका मतलब ये सेंटेंस यहां पे गलत है। इतना क्या लिखा जाएगा यहां पे, नो सूनर डिड और उसके बाद में ही सी, नो सूनर डिड ही सी द प्रिंसिपल, ऐसा यहां पे सेंटेंस होगा। तो यहां जो बात लिखी हुई थी जो ही सा यहां पे उसने लिखा था, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत चल रहा है। यहां पे क्या होगा, आप इस सेंटेंस को जब सही करोगे तो आप कहोगे कि नो सूनर के बीच में यहां पे डिड गायब है और ही के बाद में सा नहीं बल्कि क्या आएगा, सी आएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस को करेक्ट करोगे। अच्छा स्टूडेंट आगे वाला देखो, सीता वाज आस्क्ड दैट व्हाई सी हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर, सीता से पूछा गया कि उसने प्रेयर को अटेंड क्यों नहीं किया था। तो ये देखो सीता वाज आस्क्ड एक क्लोज हो गया, यहां तक जो है वो फर्स्ट क्लोज हो गया, फिर आगे दैट वाई से जोड़ करके सेकंड क्लोज बनाया गया, यहां पे दूसरा क्लोज और बना दिया। अब बीच में कंजक्शन ले लिए दो, आपको जानकारी रहे कि कंजक्शन जो है वो दो नहीं एक ही कंजक्शन काफी होता है, कोई सा एक कंजक्शन लिया जाता है। जब भी WH वाला कंजक्शन यहां पे ले लिया जाए, WH वर्ड का कोई भी, हाउ वाई वैन जो भी है, अगर वो ले लिया जाता है तो दैट की छुट्टी हो जाती है, यहां पे दैट का प्रयोग नहीं हो सकता। यानी दो कंजक्शन का एक साथ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, और जब भी स्पेशली WH वर्ड हो गया तो दैट का तो यहां पे छुट्टी होना निश्चित होता है। इसका मतलब यहां पे दैट नहीं होगा, सीधा वाई से कनेक्ट करके इस सेंटेंस को बनाया जाता है, तब जाकर के ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे देखो स्टूडेंट, चिंटू इज वेरी स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वाक्य देखने में बिल्कुल सही सा लग रहा है लेकिन गलत है ये, और गलत यहां पर ये है कि जब भी आगे इन्फिनिटिव दिया है, यानी इस सेंटेंस में टू टू का प्रयोग हुआ है। आपको जानकारी रहे कि इस सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, टू टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां तो क्या दिया हुआ है, वहां पर वेरी दिया हुआ है। आपने कुछ ऐसे पहले पढ़े होंगे जैसे टू टू का प्रयोग करने का मतलब है कि जैसे ही इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली या वॉक मोर, ऐसे एक सेंटेंस डाला मैंने। ये सेंटेंस ऐसे है जिसमें क्या लिया हुआ है, ही इज वेरी वीक लिया, ही इज सो वीक लिया, जैसे मान लो सो का प्रयोग कर दिया मैंने, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक मोर, यानी वाक्य में हमने सो दैट का प्रयोग किया। सो दैट का प्रयोग आपको मैंने पहले भी जो अभी हाल ही के क्लासेस में समझाया था, सो दैट का यूज कैसे होता। अब ये सो दैट वाला वाक्य कह रहा है ही इज सो वीक, यानी इतना वाक्य जो है वो नेगेटिव है, वह बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसका साफ साफ आगे वाला में रिजल्ट दे रहा है कि वह चल नहीं सकता और नहीं चल सकता। इसी में अगर आपको कहा जाए कि टू टू का प्रयोग करो तो यह सेंटेंस कैसे होगा कि ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू, और ये कैन नॉट वगैरह सब हट जाएंगे, दैट वगैरह सब हट जाएंगे। केवल टू के बाद में आपको पहले वर्ब वाले समय पढ़ाया था कि टू जब होगा अपने साथ में वर्ब लेगा और वो भी फर्स्ट फॉर्म टू वॉक मोर, यानी ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों सेम ही हैं। सेम का मतलब सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, केवल फ्रेमिंग अलग है, वाक्य की बनावट अलग हो गई, बाकी है क्या, सेम है। ही इज टू वीक टू वॉक मोर, यानी वह इतना कमजोर है कि और नहीं चल पाता, नहीं चल सकता। तो यही इसी तरह पे ये सेंटेंस है, चिंटू इज वेरी स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यानी चिंटू बहुत छोटा है, वह अभी क्रिकेट खेलना शुरू नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो वेरी बात है, जो वेरी दे रखा है वो गलत है, यहाँ पे आना है टू। क्या आएगा, टू आएगा, चिंटू इज टू स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो ये सेंटेंस तभी सही होगा जब यहाँ पे क्या लगाओगे, टू लगाओगे।
अच्छा आगे के देखो स्टूडेंट, राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वाज टू बिग एज हिज ओन। इस सेंटेंस में आपको जानकारी हो रही होगी कि मैंने एज एज पढ़ाया था, लेकिन यहां पे तो क्या दिया, टू दे दिया और यहां पे एज दे दिया। इसका मतलब ये वाली जो बात दिख रही है वो बिल्कुल यहां पे क्या है, गलत है। यहां पे ये किसी तरह से जो सूट नहीं करेगी। आप इसे किस में बदलेंगे, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज लिखना होगा, तब जाकर के ये वाक्य क्या होगा, सही होगा। यानी राम फेल दैट, राम ने महसूस किया था कि सुनील का घर जो है वो उसके घर से क्या था, यानी उसके घर जितना ही छोटा था। सुनील्स हाउस वाज एज, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा है यहाँ पे, एज बिग एज ही जॉन। तो एज एज ये प्रयोग एज एज का होगा, यहाँ पे टू का दिया, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। आगे देखो, आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई कम केम हेयर। यहाँ पे कम और केम में से आपको एक छांटना है, सही कौन सा है। तो जब भी हमने पहले सिंस का प्रयोग अभी थोड़े पहले पढ़ा था कि सिंस का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय मैंने ये बात बताई थी कि सिंस का प्रयोग जैसे ही पढ़े हैं तो ये यहाँ पे परफेक्ट टेंस चल रहा है इधर, तो आगे वाला पास सिंपल होगा, आगे का जो टेंस होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला होगा। यानी यहाँ पे जो सही है वो कौन है, केम, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको जानकारी लेनी है कि आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई केम हेयर, यानी मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने अपने पिता को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन माई फादर। तो इस सेंटेंस में आपको एक तरफ यहाँ पे परफेक्ट टेंस मिलेगा, तो दूसरी तरफ आपको सिंपल पास्ट कर देना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी, ये करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, वॉक केयरफुली लेस्ट यू वुड शुड फॉल, यानी सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, यानी ताकि आप गिरे नहीं, ऐसा इसका अर्थ है इस सेंटेंस का। अब देखिए इसमें लेस्ट का प्रयोग हुआ है। अपने क्लास के बिगिनिंग में मैंने पहले लेस्ट ही पढ़ाना शुरू किया था कि लेस्ट जब भी आए तो आपको प्रयोग किसका करना है, शुड का करना है। इसका मतलब अन्य किसी प्रकार का वर्ब मॉडल जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे वुड रॉन्ग है, सही कौन सा है, शुड है। अच्छा आगे देखो, द फूड वाज एज हॉट दैट वी वुड हार्डली टच इट, भोजन इतना गर्म था कि हम उसे छू नहीं सके, यानी मुश्किल से ही छू सकते थे। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, इसमें देखो द फूड वाज एज हॉट। अब देखो यहाँ पे दैट का प्रयोग आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे एज की जगह पे आप किसका प्रयोग करोगे। आपको मैंने पढ़ाया था कि द फूड वाज सो हॉट, भोजन इतना गर्म था, फूड वाज सो हॉट That we would hardly touch it, ऐसे यहाँ पे that के साथ में किसका प्रयोग होगा, so का प्रयोग होगा। तो ये आपको बात याद रखनी है, चाहे यहाँ पे to दिया है तो गलत है, यहाँ पे as दिया है तो गलत है, so के साथ यानी that के साथ हमेशा किसका प्रयोग होना है, so का प्रयोग होना है। तो ये अपने प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज जो हमने लिया था, इस प्रैक्टिस सेट में कुछ सेंटेंस हमने सरल किए। आगे हम एक सेट और तैयार करते हैं और उसको भी हल करते हैं, ताकि आपका कंजक्शंस का कार्य है वो बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।